हाय फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने जो डैनियल अलेक्जेंडर है उसके बारे में कुछ बताने बताने आया हूँ तो डैनियल एलेक्जेंडर आजकल काफ़ी सुर्खियों में है वो एक श्रीलंका के बहुत ही घटिया जर्नलिस्ट है जो कि बोलते तो हैं क्रिकेट पे जर्नलिज़्म करते हैं लेकिन उनका जर्नलिज़्म का स्टाइल जर्नलिस्ट जैसा नहीं है वो जानबूझ के इंडिया को टारगेट करते हैं एंड स्पेशली विराट कोहली को टारगेट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जब आप इंडिया या विराट कोहली को टारगेट करते हैं तो उनको आपको काफ़ी माइलेज मिलता है यानी कि काफ़ी लोग आपका मैसेज ट्वीट या यूट्यूब वीडियोस देखते हैं क्योंकि इंडिया में क्रिकेट के काफ़ी दीवाने हैं एंड उनको अच्छा नहीं लगता कि जब उनके फेवरेट टीम को कोई कुछ बोले तो ऐसे तो इंडियन फैंस रिएक्ट करते हैं उनका ट्वीट्स पढ़ते हैं एंड उनको रिप्लाई देते हैं तो उनसे इससे उनको काफ़ी माइलेज मिलता है यानी कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं एंड इसलिए वो काफ़ी फेमस हो चुके हैं एंड ऐसा भी बोलते हैं कि शायद उनको पाकिस्तानी बोर्ड या पाकिस्तान गवर्नमेंट भी पैसा देते हैं सब मानना है मतलब आई एम नॉट श्योर इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए तो तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि डैनियल एलेक्जेंडर को इतना फ़ायदा ना हो या फिर उनको इन इतना आ, वो इंडिया के खिलाफ ना बोले तो आपसे एक ही मेरे को रिक्वेस्ट है आप उनको ट्वीट को पढ़िए तो लेकिन उस पर कुछ रिएक्शन मत दीजिए उनको गाली गलौज मत कीजिए या फिर उनको कुछ भी रिएक्शन मत दीजिए तो इससे क्या होगा तो उनका रीच कम हो जाएगा एंड उनको काफ़ी कम पैसे मिलेंगे वो वो चाहते ही हैं ऐसे गाली गलौज करके कि उनको उनको पैसे मिले एंड जितना वो जितना बुरा लिखेंगे उतना उनको फ़ायदा होता है तो आप उस उनके ट्वीट्स को बिल्कुल भी रिएक्ट मत कीजिए एंड कुछ भी ना 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 उनको देखिए इवन फॉर यूट्यूब वीडियोज़ वैसे वीडियोज़ जानबूझ के डालते ताकि आप उनको देखे लेकिन आप फंस जाते हो उसको देखें तो तो आप उनके वीडियोस को भी मत देखिए एंड उनके ट्वीट्स को भी मत देखिए एंड उनको कुछ भी रिप्लाई मत दीजिए तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो के अंत में मैंने उनके कुछ ट्वीट्स भी रखे हैं आप चाहे तो उनको देख सकते हैं कि वो कैसे ट्वीट्स भद्दे ट्वीट्स इंडिया पर करते हैं थैंक यू सो मच